आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, क्या वालदैन से भी औलाद के मामले में हिसाब लिया जाएगा? जो वालदैन औलाद के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, क्या इनसे आखिरत में कोई पूछ नहीं होगी? सिर्फ वालदैन की नाफरमानी की सज़ाएं बताने से माशरे में बेहतरी नहीं आएगी। बच्चों को तो वालदैन के हुकूक बहुत सिखाए जाते हैं, मगर वालदैन को बच्चों के हुकूक नहीं सिखाए जाते, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि वो जैसा भी सलूक करें इनसे कोई पूछ नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत से वालदैन बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, बेअदली करते हैं बच्चों में। एक को इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, दूसरे को ऐसा जैसे वो सौतेला हो, गली महल्ले से उधार लेकर आए हों, और ये होता है। तो जैसे औलाद से सवाल होगा माँ बाप के हकूक़ के बारे में, तो माँ बाप से भी सवाल होगा। तो माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को बिला वजह तंज ना किया करें, तू तो है ही ऐसा, तू तो है ही हूँ, तू तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के तंज बार बार कर करके बच्चों की बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में जाते हैं वो। फिर अपने घर की चीज़ें अपने घर में रखा करें। बाहर लोगों में अपने बच्चों को बदनाम करना, ये बहुत बुरी बुरी हरकत है। बाज़ माँ बाप करते हैं, बाप बता रहा होता है दोस्तों को पकड़ पकड़ के, मेरा ये बेटा ऐसा है। वो बेटे के जज्बात इतने मजरू होते हैं, वो कहते हैं जब आपने मुझे दुनिया के सामने जलील कर दिया, लोग फिर चलते हुए कहते हैं ये देखो ये अपने बाप का तो मानता नहीं है, ये हमें क्या सिखाएगा, ये अपने बाप का नहीं है, इस तरह की बातें लोग कर रहे होते हैं। तो ठीक है, औलाद को तो बर्दाश्त ही करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के एहसानात बहरहाल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो औलाद को तो हुक्म यही है कि वो अपने माँ बाप से अच्छा सलूक ही करे। उसके लिए ये नहीं है कि माँ बाप अगर बुरा कर रहे हैं तो औलाद भी बुरी करना शुरू कर दे, क्योंकि एहसानात बहरहाल ज़्यादा हैं। तो माँ बाप बुरा कर रहे हैं तो औलाद भी बुरा करेगी, ये जायज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल माँ बाप से भी औलाद के बारे में सवाल होगा।